राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज मीडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लगता है तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है। नमस्ते। आज अपने मालेगांव शहर में MPCL कंपनी में काम करते वक्त अपने मालेगांव शहर का शमसुद्दीन लाइनमैन का उसका शॉक लग के डेथ हो गया। ये बहुत ही दुख भरी बात हुई है, बहुत ही दुर्दैवी घटना है। इस हादसे में उनकी जान गई है। ऊपर वाला भगवान और अल्लाह ताला उनको शांति और सुकून दे, ये प्रार्थना मैं सभी आवाम की तरफ से ऊपर वाले को भगवान को करता हूँ। ये प्राइवेट कंपनी का MPCL कंपनी का बहुत ही बेजवाबदार और निर्दयी कामकाज चल रहा है। इससे पहले भी एक दोन हादसा हुए। हादसा होने के बाद जिन कर्मचारियों का हादसा हुआ उनको सिर्फ मेडिकल में खर्चा करते हैं, गोड़ बंगाल करके मीठी मीठी बातें करके उनको कोई ही बाकी उनको जो बेनिफिट देना चाहिए वो बेनिफिट देते नहीं। कंपनी की पहली जिम्मेदारी है, जब वो कायदे में तरतूद भी है, जब एग्रीमेंट हुआ MSEB का, तो जब यह हादसा होता है हादसा देख के तुरंत उसको, वो कंपनी का कर्मचारी हो या बाहर का कोई इंसान हो, उसको शॉक लगता है, कोई घटना घटती है तो उनको तुरंत 4 लाख रुपए देने तक इनके जिम्मेदारी है। वो उनको तुरंत उस परिवार को 4 से 5 लाख रुपए देने चाहिए। उसके बाद में भी कंपनी की जिम्मेदारी रहती है कि जो कर्मचारी लाइन से आने से अपनी जान से खेलते उनको सुरक्षा बीमा इंश्योरेंस निकालना इनकी जिम्मेदारी है। जैसे कोई ड्राइवर वाहन चलाता है, वाहन चलाते में उनका हादसा होता है तो उनको 25-25 लाख, 50-50 लाख रुपए का कवरेज मिलता है उनके परिवार को, तो इन्होंने 250 रुपये का बीमा निकालना, तो 20-25 कर्मचारी किसी शॉप में काम करते तो वो भी निकालते हैं, वो तो कोई भी निकालता है, लेकिन ये रिस्क लाइन से खेलना यानी से जान से खेलना है। इसीलिए ऐसे बहुत सारे हादसे हुए। हमने खड़की के नितिन पवार के बारे में जब आंदोलन किया तब उनको सावध कर दिया था कि इसके आगे किसी की जान जाती है तो तुम उनका सुरक्षा बीमा करके रखो। जैसे रास्ते पे एक्सीडेंट होता है, जो गाड़ी से एक्सीडेंट होता है वो गाड़ी मालक तुरंत उनको इलाज के लिए पैसे देता, उसके पैर कट गए होंगे, हाथ कट गए होंगे तो 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए वो घर का ट्रीटमेंट लेगा तो उसका राशन भर देता और दवा खाने का बिल देता और उसका सुरक्षा बीमा इंश्योरेंस निकाल के रहता तो वो 2-3 साल में उसको कम से कम 50 लाख रुपये 40 लाख रुपये उनकी उम्र देख के उनको बेनिफिट मिलता है। वैसे ये प्राइवेट कंपनी की जिम्मेदारी है, जितने भी लाइनमैन काम करते उनका सुरक्षा बीमा निकालना इनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने ये बीमा निकाला नहीं होगा तो उनको उनकी कंपनी से बहुत सारे करोड़ों रुपए का बेनिफिट होता है। उसमें से इन लोगों को जिनकी अभी परिवार अनाथ हो गया उनके लिए 1-1 कोटी रुपए 50-50 लाख रुपए देना इनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने वो देना चाहिए। और कैसे हुआ ये हादसा इधर लाइन में? ये हादसे के भी जैसा नितिन पवार का हुआ वैसे ये शमसुद्दीन भाई का हुआ है। इनको हेल्पर उनको जब किसी को लाइनमैन का काम देते हैं तो वो ITI होना चाहिए, उनको 1.5 साल का 2 साल का इलेक्ट्रिक कंपनी में काम करने का अनुभव एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिक डिप्लोमा होना चाहिए, लेकिन कम आमदनी में कम पगार में ये लोगों को हेल्पर बोल के बुलाते, उनको एक्सपीरियंस नहीं रहता, उनकी परिवार की जिम्मेदारी रहती, इसीलिए पैपी पेट के लिए ये काम करते, उनको उतना दाम भी देते नहीं और उनकी जिम्मेदारी नहीं रहती, लाइनमैन का अनुभव नहीं रहता, फिर भी वो रिस्क का काम करने को लगाते हैं। ये काम करने को लगाता है तो इनकी जिम्मेदारी है कि इनका बड़ा सुरक्षा बीमा निकालने की, इन्होंने ये निकाले नहीं है। नितिन पवार के बारे में हमने जब आंदोलन किया उनका जो मध्यस्थी करने वाला देवरे कोई था, देवरे साहब, वो आया, हम 2 दिन में इसको जो बड़ा बड़ी भरपाई है देते, वो आंदोलन हमने वहाँ पे तकुब किया, हम ऊपर कलकत्ता भेजे है, वहाँ से परमिशन आ रही है 5 लाख रुपए वो उम्र भर का अफाइज हो गया, उसके दोनों हाथ चले गए, लाचार हो गया और उसको 5 लाख रुपए बोलते। 5 लाख रुपए तो गवर्नमेंट का MSEB से एग्रीमेंट हुआ है वहाँ से ही तुमको देना है 5 लाख रुपए, लेकिन इंश्योरेंस का भरपाई उनकी लाइफ की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुमने जब कभी उनका इंश्योरेंस निकाल के रहता लाइफ सुरक्षा बीमा तो उनको 50 लाख रुपए 0.25 कोटी तक उनकी आमदनी करके उनके पिछले परिवार को लिए मिलता था। अभी उनके बहुत बड़े 2-4 हादसे हो गए, वो बहुत मगरूरी से काम कर रहे हैं,
कायदे से उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, उनका ज़्यादा फायदा उठा रहे। अपन सब मालेगांव की आवाम मिलके अपन 15 तारीख के ये उमरा का कार्यक्रम होने के बाद ये इस लड़के को कितना बेनिफिट देते, इन्होंने उनका इंश्योरेंस लाइफ सुरक्षा बीमा निकाला है कि नहीं, ये सब देख लेंगे। 15 तारीख के बाद मैं बारा बलूतीदार फाउंडेशन के माध्यम से हम सब इस परिवार के पीछे है, और वो नितिन पवार का भी अपने को आंदोलन करना है, वह अपन धरने आंदोलन करके माने तो ठीक है, नहीं बातों के भूत बातों से नहीं माने तो लातों से मनवाएंगे और इनको न्याय दिला देंगे। ये परिवार का तीसरा